एकता कपूर के पॉपुलर शो कसौटी जिंदगी की से डेब्यू करने वाले एक्टर प्राचीन चौहान को मुंबई के मलाड ईस्ट पुलिस ने छेड़छाड़ के गंभीर आरोपों के खिलाफ गिरफ्तार किया था। इस मामले में प्राचीन को कल बेल मिल गई थी। प्राचीन पर 22 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था। अब इस मामले पर प्राचीन चौहान का पहली बार बयान सामने आया है। एक इंटरव्यू के दौरान प्राचीन चौहान ने कहा, मैं अभी इस मामले पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं बर्बाद हो गया हूं। मुझे इस मामले पर टिप्पणी करने से पहले अपने वकील से भी बात करने की ज़रूरत है। अभी के लिए मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि यह एक झूठा मामला है। मैं एक आधिकारिक बयान जारी करके बहुत जल्द असली कहानी बताऊंगा। जब एक्टर से पूछा गया कि क्या लड़की की कहानी में कोई सच्चाई है, तो उन्होंने कहा, जब मेरे पास इस पर पूरी स्पष्टता होगी तो मैं बताऊँगा कि सच्ची कहानी क्या है। बता दें कि प्राचीन चौहान के खिलाफ पीड़िता ने मराठ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 354, 342, 323, 506 में केस दर्ज किया था। उनके गिरफ्तार होने की खबर से फिर एक बार टीवी इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा। प्राचीन चौहान ने टीवी में डेब्यू स्टार प्लस के फेमस शो कसौटी जिंदगी की से किया था। शो में वो सुब्रत बसु का किरदार निभाते नजर आए थे। इसके साथ ही उन्होंने कुछ झुकी पलके, सिंदूर तेरे नाम का, साथ फेरे और कलर्स पर आने वाले शो मात पिता के चरणों में स्वर्ग में भी किरदार निभाया था।